दिन से मनोरंजन जगत में हाहाकार मच गया है। फैंस के लिए खबर पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि उनकी चहेती एक्ट्रेस अब इस दुनिया में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा ने वाराणसी के एक होटल में आत्महत्या कर मौत को गले लगाया। बताते आकांक्षा भोजपुरी की चर्चित स्टार थी और अपने अभिनय के साथ साथ एक्ट्रेस अपने डांस के लिए भी मशहूर थी। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। वो अवसाद के दौर से भी गुजर चुकी थी। बता दें आकांक्षा दुबे की उम्र महज 25 वर्ष थी। उन्होंने 17 साल की उम्र में ही भोजपुरी सिनेमा में कदम रख दिए थे और काफी कम उम्र में आकांक्षा को अच्छी खासी सफलता भी मिल गई थी। जी हाँ, एक्ट्रेस की फिल्में और गाने रिलीज के साथ ही वायरल हो जाते थे और अब आकांक्षा की मौत की खबर से पूरी इंडस्ट्री गंभीर हो गई है। बता दें आकांक्षा ने खेसारी लाल यादव, समर सिंह, पवन सिंह और आम्रपाली दुबे समेत भोजपुरी सिनेमा के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया था। हालांकि सफलता की बुलंदियों तक पहुंचने से पहले उन्हें कई रिजेक्शन भी झेलने पड़े थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके चलते आकांक्षा साथ से गिर गई थी। आकांक्षा दुबे ने साल 2018 में खुलासा किया था कि वो डिप्रेशन की वजह से फिल्मी दुनिया को गुड बाय कह रही है। हालांकि माँ के समझाने के बाद एक्ट्रेस ने फिर से इंडस्ट्री में दमदार वापसी की। रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा अपने पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग के क्षेत्र में आई थी। एक्ट्रेस के पिता उन्हें आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, मगर आकांक्षा ने अभिनय की दुनिया में नाम कमाने की ठान रखी थी। हालांकि बेटी की कामयाबी को देख पिता का दिल पिघल गया। बाद में उनके माता पिता ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बता दें आकांक्षा ने मुझसे शादी करोगी, साजन, बैंड बज गया, दूल्हा फंस गया जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। पर्सनल लाइफ की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा एक्टर समर सिंह को डेट कर रही थी। बता दें आकांक्षा के निधन पर समर सिंह ने पोस्ट साझा कर दुख जताया है। तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहे न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।